बारवी डैम से जलापूर्ति बंद हुई तो खैर नहीं, मनपा आयुक्त से दिलाया पहल का भरोसा। भाजपा विधायक गणेश नाइक ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से अपनी साप्ताहिक मुलाकात में ऐरोली विधानसभा क्षेत्र में बाधित हो रही जलापूर्ति का मुद्दा उठाया और खुली चेतावनी दी कि अगर बारवी डैम से नवम्बईकरों का पानी रोका गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे। आयुक्त के साथ बैठक में भाजपा नेता दशरथ भगत ने यह जानकारी देते हुए चेताया कि ठाणे मनपा बारवी डैम खरीदने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो टीएमसी नवम्बई को पानी देना बंद कर सकती है। गणेश नाइक ने इस बात पर बल देते हुए सप्लाई अबाधित रखने महानगर पालिका आयुक्त को पहल करने का सुझाव दिया। यहाँ पूर्व विधायक संदीप नाइक, जिलाध्यक्ष रामचंद घरत, महापौर जयवंत सुतार, जया जीनाथ, निशांत भगत समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बारवी डैम MIDC का इंडस्ट्रियल इलाके के लिए सप्लाई करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें उस टाइम में सरप्लस पानी था, इसलिए कई शहरों जिसमें उल्लासनगर को, कल्याण को और नई मुंबई महापालिका को भी कई कोटा दिया गया था। नई मुंबई महापालिका ने मोरबे डैम अपना खुद का बनाने के बाद, बनाने मतलब अपने मालिकी का करने के बाद में, फिर भी MIDC का जो इलाका है वो MIDC के पानी पे निर्भर रहा। अभी MIDC में कभी कभी तीन तीन दिन वहाँ पे रिपेयर के लिए वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो दीघा से लेके यहाँ पे इंदिरा नगर तक के लोगों को पानी की समस्या तीन तीन दिन वहाँ पे उनको उसको कठिनाई को सामना करना पड़ता है। तो आज के तारीख में कहा है कि भाई, एक अखबार में किसी आया था कि बारहवीं डैम कोई महानगर पालिका अपने मालिकी का होने का प्रयास कर रही है, तो हमारा कहना है कि भाई, नई मुंबई महापालिका का 50 MLD पानी बारहवीं डैम से आ रहा है वो पक्का करके रखो। ये आयुक्त तो मोदी को बोला रहे कि पालक पहले पालक मंत्री था, तो उस टाइम में मैंने उल्लासनगर को, कल्याण को, नई मुंबई को पानी पक्का हमेशा रहे, उसका कोई दूसरा बंदोबस्त न होने तक। तो अपना जो कोटा है, अभी आज MLA हो गए हम लोग, तो उस पर निग्रह कर रखेंगे कि भाई किसी भी ढंग से अपना कोटा लैप्स न हो जाए, डिस्कनेक्ट न हो जाए। अभी जो वासी का हॉस्पिटल है वो अभी कोविड फ्री हॉस्पिटल होने के लिए एक दो पेशेंट उधर खाली बाकी है, 8-10 दिन के अंदर वो पेशेंट जैसे डिस्चार्ज हो जाएंगे तो वासी का हॉस्पिटल कोविड फ्री हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल में उसको रूपांतर हो जाए। अभी उसके बाद में जो 40 हॉस्पिटल है, जो पहले हीरानंदानी हॉस्पिटल के तौर पे जाना जाता था, वहाँ पे अपना भी 800 पेशेंट का अपना कोटा है, ये 6 महीने में उसका कोई यूटिलाइजेशन हुआ नहीं है। तो वो 6 महीने का कोटा और आने वाले 6 महीने का कोटा, ये साल का कोटा कोविड के पेशेंट को, जो गरीब लोग हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ रहा है, तो वो वही सहूलत 40 के हॉस्पिटल में मिलने के लिए उनको हमने बताया है, और उसके लिए ऑफिसर की वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी और उसके माध्यम से वो महापालिका को मिलने वाला कोटे का वहाँ पर बंदोबस्त किया जाएगा। अभी दीघा इलाके में बड़ी मात्रा में पानी की समस्या है। आज दीघा इलाके के सब कॉरपोरेटर लोगों को मैं लेके आया था, उनके यहाँ के पानी का समस्या, मतलब निस्तरण की समस्या, रास्ते की समस्या, इलेक्ट्रिक की समस्या, जलकुंभ बनाने की जो भी कोई रिक्वायरमेंट है वो, उसके बावजूद स्कूल में आज तक ऑनलाइन एजुकेशन सबको नहीं मिल रहा है। मुझे एजुकेशन विभाग से उपायुक्त ने पत्र लिखा था कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब क्या नक्की कर रहे हैं, पक्का क्या कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए। और उसके लिए उनको हमने बताया कि भाई आप किताबें दो, नोटबुक दो, क्वेश्चनरी भेजो, किताब से लिख के बच्चे लोग यदि भी पेपर तैयार करें और वो उनको भेजें, वो स्कूल उस पर उसका रिजल्ट लगाएंगे। एटलीस्ट विद्यार्थी लोगों को, हम स्टूडेंट हैं ये याद रहेगा, उनकी स्टडी करने की मानसिकता रहेगी, और ऐसा प्रयास करने के लिए उनको हमने सूचित किया है, उसको अमल करने वाले। बता दें कि नवम्बई का खुद का मोरबे डैम है, जहां से बेलापुर, नेरुल, वाशी, कोपरखैरने और तुरभे इलाके में जलापूर्ति होती है।
जबकि ऐरोली और दीघा, ईश्वरनगर, रबाले से लेकर इंदिरानगर और तुरभे इलाकों के रहवासी इसी बारवी डैम का पानी पीते हैं। फिलहाल इन इलाकों में पहले से ही पानी की भारी किल्लत चल रही है। अगर सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाती है तो और भी बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। इन आशंकाओं का खुलासा करने वाले भाजपा नेता दशरथ भगत ने कहा कि MIDC के पानी पर सबका अधिकार है, इसलिए किसी मनपा को इसका स्वामित्व देना नोइंबई करो के साथ अन्याय होगा। जो मोरबे डैम बारवी डैम है, जो MIDC क्षेत्र का जो बारवी डैम है, वो MIDC का मालिक है। लेकिन एक न्यूज आया है लोकसत्ता में कि ठाणा महानगर पालिका वो खरीदना चाहता है। बात यह है कि जब वो डैम के ऊपर नई मुंबई महानगर पालिका का 50 MLD स्टेक है, राइट्स है, हक है, अधिकार है, और वो हमें मिलना चाहिए और मिल रहा भी है, और वो हम दे नहीं सकते किसी को भी, भले उसके अंदर कल्याण डोंबिवली कॉरपोरेशन उसका क्या सोचता है उसके स्टेक के बारे में उनका सवाल है, उल्लासनगर महानगर पर क्या सोचता है उनका स्टेक है, वो फिर MIDC क्या सोचते है उनका स्टेक है। लेकिन बारवी डैम एक किसी कॉरपोरेशन की मालकी होने से जो नई मुंबई कॉरपोरेशन को मिलने वाला जो 50 MLD पानी है उसके ऊपर का हमारा हक, हमारा राइट्स निकल जाएगा। वो नई मुंबई के नागरिकों का वो पानी का जो हक है, हक राइट्स है, जो स्पेसिफिक दीघा और रबाला और ऐरोली, ये जो क्षेत्र है ऐरोली विभाग और दीघा विभाग का जो राइट्स है, वो आज भी पानी, क्योंकि मोरबे का पानी हम स्वयं है, लेकिन पूरा स्वयं भी इतना भी नहीं है, क्योंकि कल यहाँ जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स आने वाले उसके लिए पानी कहाँ से ले गएंगे, ताकि वो पानी हम दे नहीं सकते। और हमारा यही रिक्वेस्ट है, हमने वहाँ मुद्दा ही उठाया कि वो कोई खरीद नहीं सकता है वो, और गवर्नमेंट ने भी, वो सार्वजनिक है, वो MIDC का है, वो MIDC के पास ही रहना चाहिए, और जिसको जिसको पानी अभी जो मिल रहा है वो पानी उसका ही हक है, वो हमेशा हक उसका आबादित रहना चाहिए, ये हमारा मांग है। यहाँ दीघा के तमाम नगर सेवकों ने भी अपनी बात रखी, जिनके वार्ड पानी की किल्लत चल रही है। नगर सेवक नवीन गौते ने कहा कि MIDC उन्हें 3 दिनों तक पानी के लिए तड़पा रही है। मनपा के जरिए यहाँ वैकल्पिक जलकुंभ बनाने का प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन कुछ अधिकारी जानबूझकर इसका वर्क ऑर्डर नहीं निकाल रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जानबूझकर ये वर्क ऑर्डर दबाई जा रही है, जानबूझकर टेंडर पे टेंडर रिकॉल किया जाता है, और कुछ लोग पर्दे के पीछे बैठ के छोटी छोटी खामियां ढूंढ कर वो टेंडर को रिकॉल करने का कोशिश कर रहे, ताकि कुछ लोग अपने मर्जी का कॉन्ट्रैक्टर आए हुए उनका कुछ उनका उसमें हाथ मिलाना होता है, वो हो रहा है, और जो काम उनके वजह से लोगों को टेंडर मिले, उनके लोगों को काम मिले, और भुगतान हमारी दीघा की जनता सफ़र कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होता है, हम लोग नगर सेवक रह या ना रहे, हम लोग यहाँ पे महापालिका के आयुक्त को ये सवाल पूछेंगे और MIDC पे भी घेराव करेंगे। मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, तभी मैंने सीवरेज अपना जलकुंभ, जो 5 MLD का जो जलकुंभ है साटे नगर में, आज जिधर हमारा वार्ड ऑफिस है उसके बगल में जगह दी है MIDC ने, उसका NOC दिया गया है, एग्रीमेंट हुआ है, अभी जल कुंभ का टेंडर निकला है, और टेंडर निकलने के बाद उसका वर्क ऑर्डर देने का जो काम है वो पेंडिंग रखा गया, तो वो जल्दी से जल्दी वर्क ऑर्डर दिया जाइए, ऐसे हमारी मांग है साफ से, ताकि हम लोग दीघा के लोग हर हफ्ते में 3 दिन बिना पानी के वजह से भूख रहे हैं, और हमारा जनता का इसमें क्या दोष है। हम लोग महापालिका को टैक्स बिल देते हैं, पानी बिल देते हैं, और जो भी नियम है वो सब फॉलो करते, तो हम लोग की जनता, यही मतलब नहीं होता कि हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, इसे हमें जीने का अधिकार नहीं, हमें भी कॉलोनी के बराबर का हिस्सा और हक हमें भी मिलना चाहिए। हम लोग भारत में 70 साल आज़ादी के हो गए, हमको बराबर का हिस्सा और न्याय मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।